हेलो फ्रेंड्स ममता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी की दाल की रेसिपी वैसे तो लौकी हर किसी को पसंद नहीं आती है पर मैं जिस तरह से लौकी की दाल बनाती हूँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की दाल इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो लौकी ली है और लौकी को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर छन्नी में छान लिया है अब मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें ऐड किया है चार बड़े चम्मच तेल तो देखिए तेल यहाँ पर अब अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जीरा जीरा को हम इसमें अच्छे से चटकने देंगे और जीरा जैसे ही अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे दो सूखी लाल मिर्च यहाँ पर मैंने तीन प्याज को इस तरह से काट लिया है इसे भी अब हम तेल में ऐड कर देंगे प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि अच्छे से सुनहरी ना हो जाए गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम कर दिया है तो देखिए कुछ देर तक भुनने के बाद प्याज यहाँ पर अच्छे से भुन सुनहरी हो गई है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दो चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन आप चाहे तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर कुटे हुए अदरक लहसुन से दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए इसे हमेशा मैं कूट के ही डालती हूँ तो अदरक लहसुन को हमें प्याज के साथ तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन चला ना जाए अब यहाँ पर प्याज के साथ अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सूखे मसाले सूखे मसालों में मैं ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं इस दाल में हरी मिर्च भी इस्तेमाल करने वाली हूँ इसलिए मैंने सिर्फ़ एक चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाला है इसके बाद मैं ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी तीन छोटे चम्मच धनिया पाउडर अब मैं इन सारे सूखे मसालों को तीस सेकेंड तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी लो फ्लेम पर मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन भी जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पर सूखे मसाले अच्छे से भुन गए हैं अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो बड़े कटे हुए टमाटर इसी के साथ मैं टमाटर के ऊपर ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के ऊपर नमक डालने से टमाटर जल्दी गल सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर और भी जल्दी गल सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसे ढक देंगे लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए कुकर का ढक्कन हमें बंद नहीं करना है बस इसे कुकर के ऊपर रख देना है पाँच मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इस मसाले को एक बार चम्मच से अच्छे से चला लेंगे तो देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल कर सॉफ़्ट हो गए हैं टमाटर को हम चम्मच से इस तरह से दबाकर और भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो देखिए अब मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन गया है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो बीस से चीरी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को हम इस मसाले में मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी कटी हुई लौकी अब लौकी को भी मैं इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस की फ्लेम को इस वक्त मैंने लो टू मीडियम रखा है इससे लौकी में जो पानी होगा वो धीरे धीरे रिलीज होते जाएगा अब लौकी यहाँ पर मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम कुकर का ढक्कन कुकर के ऊपर रख देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है अब लौकी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर लौकी में से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो गया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे अब दो मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाकर फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स लौकी अब मसाले में अच्छे से भुन गई है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो कटोरी तुअर की दाल तुअर दाल को मैंने यहाँ पर दो से तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया है अब तुअर दाल को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे वज़न में देखा जाए तो तुअर दाल यहाँ पर 200 ग्राम है तो देखिए दाल अब लौकी और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें पानी डालेंगे मैं इसमें ऐड करूँगी दो गिलास पानी अभी हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें बाद में भी पानी डाल सकते हैं तो देखिए पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और कुकर में तीन सीटी आने तक दाल को पका लूंगी तो यहाँ पर अब कुकर में तीन सीटी लग चुकी है अब हम कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे उसके बाद ही इसका ढक्कन खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया है अब मैं इसका ढक्कन खोल दूँगी गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया है तो चलिए अब मैं चेक कर लेती हूँ दाल बराबर गली की नहीं दाल यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है दाल में अभी मुझे पानी कम लग रहा है इसलिए इसमें मैं और एक गिलास पानी ऐड करूँगी पानी को हमें दाल में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है हमें लौकी की थोड़ी गाढ़ी दाल ही खानी पसंद है अगर आपको दाल थोड़ी पतली खानी है तो आप इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं तो देखिए अब दाल में उबाल आ गया है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस वक्त आप चेक कर सकते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं हरा धनिया को मैं दाल में अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी लौकी की बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हो गई है तो चलिए अब हम इस दाल को सर्व कर लेते हैं आप भी एक बार इस तरह से लौकी दाल को बनाकर देखिए यकीन मानिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये दाल बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लौकी दाल की रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर देना मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय